हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइड विद आसिफ। तो भाई अभी हम लोग खड़े हैं अजमेरी गेट पे, और ये देखो भाई लोग, आज ही हमने क्या है, पिछली बार इनको वो नहीं दिया था हमारा जो ट्राईपोड, और आज देखो इन्होंने कैसे जीव जला रहे हैं हमारा। ये और है। ये हमारा है सोनू भैया, इधर काफ़ी लेट होते हुए, ये भी थोड़ा सा लेट होते हुए भैया, लेट 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 ही बोला जाएगा इसको। हाँ, ये गिम्बल है और हमने क्या है पिछली बार इनको दिया नहीं था, तो अभी ये जीव जला रहे हैं। एक बार ऐसे थोड़ा सा रोटेट करके भी जीव जला दो। अरे वाह वाह वाह, जल गया जल गया, बस जल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान जी टेम्पल, जो कि दिल्ली हाईवे पे, और उसके बाद में वापस घर आने का प्लान है। तो अभी बस निकलते हैं जल्दी सी। दो लोग हमारे मिसिंग हैं, एक तो हर्ष और एक कमल भैया, तो वो लोग हमको रास्ते में मिलेंगे। तो अब फटाफट से चलते हैं, बाइक पर मिलते हैं आपसे। आ गई हमारी 40, और इसका भाई इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। हाँ भाई, इतना टाइम कैसे लग गया तुझे? ठीक है, चलो ठीक है, माफ़ किया। और इधर भी हमारे लोग निकलने के लिए बस तैयार हैं एकदम, अब बस निकल रहे हैं यहाँ से। और हम लोग जा रहे हैं आज हनुमान जी टेम्पल, जो कि एक नई लोकेशन है मेरे लिए। तो भैया राइड हो गई है स्टार्ट। ये है अजमेरी गेट, ये वाला टोंक रोड है, और ये है यादगार। और जो हर्ष का वेट कर रहे थे हम काफ़ी देर से, हर्ष भी आ चुका है अब, तो बस राइड स्टार्ट है। अब हनुमान जी टेम्पल हम लोग जा रहे हैं, और ये हमारे सोनू भैया, इनका भी यूट्यूब चैनल है जयपुर सफारी के नाम से। और भाई ठंड आज जयपुर के अंदर इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ, आज 4 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर। तो सुबह उठने में तो भाई हालत ख़राब सी हो रही थी। तो यार काफ़ी टाइम बाद में राइड हुई है, मतलब पूरा एक हफ़्ता हो गया राइड करे हुए, अभी टाइम मिलता नहीं है शॉप से भी। देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया। अब सुबह सुबह की राइड रहती है 6 बजे की, बट 6 बजे उठे कौन, क्योंकि आज पूरा 4 डिग्री था जयपुर के अंदर। तो ये हैं हम जौहरी बाज़ार के अंदर, ये आ गई बड़ी चौपड़, अभी इसका काम चल रहा है सर्कल का। तो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है जयपुर, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। तो ये आ चुके हैं हवा महल पे, ये हवा महल है पूरा। 2 hours later ये मेरे जस्ट सामने है जल महल, और कुछ लोग हमारे जो हैं वो आ रहे हैं अभी, क्योंकि एक दो लोग पीछे रह गए हैं। तो मैं पेट्रोल भराने के लिए रुक गया था जल महल के जो सामने वाले पेट्रोल पंप पे, और यहीं पे ही अपनी शॉप लगती है अंदर की साइड में। तो बाकी के लोग अपने ये रहे, कमल भाई और हर्ष दो लोग मिसिंग है। और ये पूरा जल महल है सामने, बहुत खूबसूरत लगता है यार। वैसे अभी अंदर जाने का इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें होटल का काम चल रहा है, थोड़े टाइम में होटल का काम कंप्लीट होते हैं इसके अंदर, अंदर जाने का भी हो जाएगा। ये इस साइड में कनक घाटी है, और देखो पहाड़ों के बीच में से कितना मस्त रोड निकल के जाता है यार, मतलब अलग ही वाइब्स आती है इस रोड की, तो इसी वजह से सब लोग इधर से ही आते हैं। और एक रास्ता जो है वो चुंगी की तरफ से जाता है, दिल्ली हाईवे मेन, लेकिन उधर से आने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उस रास्ते पे यार इतना मज़ा आता नहीं है जितना आना चाहिए। अब देखो इधर कितना सही है नज़ारे वगैरह सब कुछ। और एक राइड KTM वालों की इधर भी हो रही है, देखो टोटल बाइक्स KTM है इधर। ये है हमारा आमेर फोर्ट, देखो कितना खूबसूरत लगता है, मतलब इस साइड में पूरी छाँव है और उस साइड में धूप है, और धूप में कितना चमक रहा है, अलग ही दिख रहा है। और उधर वाला जो है वो जैकेट फोर्ट है। 2 hours later तो भाई अभी हम लोग रुके हैं एक ढाबे पे, छोटा सा ढाबा है, उस पर रुके हैं चाय वाय पीने के लिए। और बाइक्स वगैरह सारी हमारी इस साइड में खड़ी है अभी, और रास्ते में इतनी ज़्यादा ठंड मिली कि क्या बताएं यार, बहुत ज़्यादा ठंड थी। और आधे लोग हमारे पीछे भी बैठे हैं, आधे लोग उधर बैठे हैं, और कुछ लोग उधर है सामने। अभी चाय वाई के लिए चाय ब्रेक लिया है, एक चाय पियेंगे उसके बाद में फिर निकलेंगे। अभी हमारे को जाना है थोड़ा सा आगे हम लोग आगे, अब यहाँ से आगे से यूटर्न मार के फिर जाना है हनुमान जी टेम्पल। लेकिन भाई सर्दी, रास्ते में जो सर्दी मिली है ना, ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी भाई, अब बहुत तगड़ी सर्दी है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 2 डिग्री टेम्परेचर होगा इस साइड में, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, थोड़ा सा धूप में खड़े हुए हैं आके, और अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चाय हमारी बन रही है वहाँ पर, चाय आ गई हमारी। ये हमारे कमल भैया, ये हमारे सोनू भैया, और इधर अजय भैया है।
और भाई सर्दी का बस पूछो मत, बहुत तगड़ी सर्दी पड़ रही है यहाँ पे। ये देखो इधर लेकिन अब थोड़ी धूप निकल गई ना तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा अब तो। भाई अभी निकल रहे हैं हम लोग, चाय वाय पीने के लिए रुके थे तो चाय पी ली और अब थोड़ी ठंड भी कम हो गई क्योंकि धूप ज़्यादा तेज़ हो गई है। अब थोड़ी ठंड कम लग रही है, मतलब कहने का मतलब ठंड है लेकिन कम लग रही है। अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, 9:30 अभी बज चुके हैं। अभी 2-3 संडे से छोटी छोटी राइड ही कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ी बड़ी राइड भी करेंगे। मैंने बताया था ना जैसे जॉब का इशू था मेरा, वो अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है तो जैसे ही वो पूरा क्लियर हो जाएगा फिर वापस से राइड, लंबी राइड भी स्टार्ट करेंगे वापस। तो अभी मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट बाइक पे और फिर चलते हैं हनुमान जी टेम्पल। तो अभी जो कट था उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। अब यहाँ से मेरे हिसाब से 4-5 किलोमीटर होगा और ये देखो पहाड़ियाँ स्टार्ट हैं यहाँ से। वैसे पहाड़ी तो पीछे भी थी लेकिन यहाँ से भी स्टार्टिंग हो चुकी है। भाई सारे पैसे इस नज़ारे के हैं यार, क्या नज़ारा है खूबसूरत। और हम लोग जा रहे हैं उसी खूबसूरत नज़ारे के पास में। यहाँ से हो चुकी है ऑफ रोडिंग स्टार्ट। ये वही रोड है जो अभी कलाक फोर्ट वाले रास्ते पे गए थे, वैसा ही रास्ता है। मतलब पूरा मट्टी है पूरे रास्ते में और कमल भैया लीड कर रहे हैं अभी। अब यहाँ से देखो कैसे जाएंगे, ये देखो पूरा ऑफ रोड है, बुलेट वाले भैया के मज़े हैं यहाँ पे। कितना सही नज़ारा है यार। और भाई देखो क्या नज़ारा है यार। कितना किलोमीटर बता रहा है यहाँ से? अरे वो गई 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 गई। ओ भाई पकड़ो। ओ भाई कोई बात नहीं, अपन ही देख के आते हैं एक बार क्या सीन है। अरे तो साइड में तो चलो तितली। ओ भाई बहुत खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है। मारो ये देखो, अब हर्ष की गाड़ी है जो लेके आनी है वो मैं ही लेके आ सकता हूँ शायद, मुझे ऐसा लगता है। इसको मैं ही निकालूंगा। उतर जा तेरे बस की बात नहीं है, उतर जा। अरे तेरा भाई है ना, उतर आगे पहुंच जा। तू टेंशन ही मत ले तू। ओ भाई ऑफ रोडिंग तो इसको बोलते हैं ऑफ रोडिंग। हट जाओ। इसको बोलते हैं ऑफ रोडिंग। निकल गई गाड़ी तो कमल भैया बाकी रह गए। अब कमल भैया कहाँ रह गए उसका पता नहीं है। ओ भाई देखो अभी जो बुलेट है वो देखो सामने से कैसे होके आ रहा है ऑफ रोडिंग करते हुए। और ये है सोन पहाड़ वाले हनुमान जी महाराज। कैसा लग रहा है? बहुत सही है यार, मज़ा आ गया ऐसे ऑफ रोड करके। होना चाहिए यार, हर संडे ऐसे राइड करनी चाहिए, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। तो भैया को तो आ गया मज़ा, अपनी गाड़ी की थोड़ी सी हवा टाइट हो गई क्योंकि यार फेयरिंग वाली है और इनकी बाइक पे स्क्रैच आ गया। कहाँ पे आया स्क्रैच? यहाँ पे यार थोड़े बहुत ऐसे आया, देख रहा हूँ। हाँ। तो क्या है थोड़ा यार वो पेड़ पौधे भी थे। अब देखो ये कमल भैया की बाइक पे देखो, इधर देखो कितने गंदे स्क्रैच हैं। ये देखो कमल भैया की हालत देखो, मतलब ये देखो भाई। और मेरी हालत, मेरी तो बहुत अच्छी है,
तुम्हारा भाई कर लेता है, ऑफ रोडिंग भी कर लेता है और सीढ़ी रोडिंग भी कर लेता है। चलो इसको तो माफ करना। एक हमारे आरएस 200 के पावरफुल बाइक वाले ओनर जो है वो पीछे रह गए, अभी तक चढ़े ही नहीं है वो। अब क्या है, खड़ी सीढ़ियाँ आ गई, यूं है, अब थक गए भाई। घर की याद आ रही है बहुत तेज। घर की याद आ रही है, अब रजाई के अंदर सो रहा था मस्त भाई। राइड होती है ऐसी चीज़ है, उठना पड़ता है। कितनी गहरी नींद में सो रहे हो आप। अगर राइड से प्यार है तो आना ही पड़ेगा, और नहीं है तो फिर सोते रहो। हालत देखो हमारे एडमिन की। चढ़ रहे हैं धीरे धीरे कुछ लोग भाई। सारे पैसे जो है ना उस लोकेशन के हैं, बस सारे पैसे लोकेशन के हैं बस। अगर ऐसी लोकेशन नहीं होती ना तो हम सीढ़ियाँ चढ़ते ही नहीं ऊपर। थोड़ा बहुत रास्ता अब ठीक मिला है, लेकिन फिर से 1312 सीढ़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही है चढ़ने के लिए। हमारे ऊपर चढ़ो भाई, अगर सीधा रास्ता होता ना तो चढ़ लेते एक बार के लिए तो, लेकिन घुमाओ और रास्ता बिल्कुल यूं है। जी हाथ में निकल के आ गया भैया, फाइनली पहुंच चुके हैं। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं हनुमान जी के मंदिर। ये जो 50 सीढ़ियाँ है ना, ये पार करने में ऐसा लग रहा है जैसे ये 1000 सीढ़ियाँ हो, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और ये क्या है यार, ये चीज़ ही अलग बना रखी है। ये आरटीओ वालों का नहीं है, ये हीरो वालों का है। हीरो होंडा जो बाइक है ना उनका, उन्होंने बना रखा है उनकी टेस्ट राइड लेने के लिए। अब जाके थोड़ा सा सुकून मिला है, बहुत ज़्यादा वाली हालत ख़राब हो गई। बोला भी नहीं जा रहा, यूँ समझ लो अब बस बोलना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं हमारे, 3-4 लोग, वो तो नीचे ही हैं अभी, वो आए नहीं हैं ऊपर, धीरे धीरे आएंगे। अंदर चलें एक बार, देखते हैं अंदर जाके। ये हम आ चुके अंदर, वो वाला मेन गेट है पर वो बंद कर रखा है किसी रीज़न से। और यहाँ पे है मंदिर हनुमान जी का। भाई अंदर आ चुके थे, ये वाला जो मेन गेट है ये बंद कर रखा है किसी रीज़न से, और अंदर पाठ वाठ चल रहा है तो इसीलिए मैं कुछ बोला नहीं अंदर, क्योंकि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो अपन चलते हैं अभी वापस बाहर। जो दिखाने जा रहा हूँ आपको मैं वो लोकेशन है। और भाई देखो लोकेशन ये आया है अब, हर्ष हाँ है ऊपर जा। ये देखो भाई फाइनल लोकेशन। यो हजारों साल पुराना है, राजा महाराजों की टाइम का है, जब राजा का राज चलता था ना, जब से ये टेम्पल हनुमान जी महाराज का, सानपाड़ वाला हनुमान जी महाराज, गांव नाटा तहसील जमा रामगढ़ में है। हम इसके पुजारी है, और कई पीढ़ियों से ये हमारे बुजुर्गों से मंदिर बहुत पुराना है। भैया इसके अंदर सीढ़ी कितनी है? 1021 ग्यारह से है टोटल, तो वैसे तो वो बीच में 1100 है भाई। जैसा कि बता रहे हैं हजारों साल पुराना मंदिर है ये, और पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो पिताजी हैं दादाजी हैं वो देख रेख करते थे इनकी, अब ये कर रहे हैं ये हैं। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, राजा महाराजा के टाइम का बता रहे हैं ये। और जो सच्चे मन से आता है, सच्चे दिल से आता है, उसकी मनोकामना पूरी भी होती है। तो देख लीजिए लोकेशन, अगर आपको आना है यहाँ पे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लोकेशन डाल दूंगा, आप आ सकते हैं। और 18 किलोमीटर है जयपुर से, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आ सकते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है वैसे तो। तो अभी फाइनली ऊपर आ चुके थे, अभी मंदिर वंदिर भी जाया है, अब बस जा रहे हैं नीचे, क्योंकि बाइक है हमारी जो नीचे खड़ी है
और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। बाकी हमारे जो पीछे लोग हैं वो भी आ रहे हैं धीरे धीरे अब, तो अपन तो चलते हैं क्योंकि अपन को 12 बजे घर पहुँचना है एनी हाउ। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।